पक्षधर हैं केवल उसका विरोध करेंगे। और ये विरोध केवल अंदरवाने का नहीं है बल्कि संयुक्त मोर्चे का पिछले 11-12 महीने से है। बीजेपी और जेजेपी का कोई भी विधायक सांसद होगा उसका विरोध संयुक्त मोर्चा के आदेश के अनुसार करेगा। और हमारे मजदूर भाइयों को, कारीगर मिस्त्री भाइयों को हम विश्वकर्मा डे पे बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। हमारे भाइयों के साथ हैं, ये लड़ाई मोर्चे की लड़ाई, मजदूर और किसान की लड़ाई है। ये विरोध केवल हमारा बीजेपी के सांसद के तौर पर ही हम काले झंडे दिखा के करेंगे। सर, जिस हिसाब से भीड़ इकट्ठी है तो आपने ये बोला था भाई हम रास्ता भी देंगे, रास्ता की थोड़ी व्यवस्था कराओ सर यहाँ पर, तो बिल्कुल आम आदमी यहाँ पर पहुंचे। हमने जैसे ही पता, हमारे सीनियर साथियों से पता चला, राज्यसभा सांसद का कार्यक्रम स्थगित हो गया, उसके बाद हमारी कमेटी के साथियों से हम बातचीत करके सारा बिल्कुल सिस्टम तरीके से हम करेंगे। कोई अव्यवस्था किसी प्रकार की नहीं की जा। हाँ जी, क्या कहोगे तो आज रामचंद्र जांगड़ा आने वाला था, इसके बारे में पहले हमें सूचना मिली थी कि रामचंद्र जांगड़ा जो है विश्वकर्मा मंदिर के अंदर आने वाले हैं, जो प्रोग्राम इन्होंने कमेटी ने रखा था। सूचना के अनुसार कल हमारी कमेटी के साथी यहाँ पे आए थे, लेकिन उन्हें अच्छे से आश्वासन नहीं दिया था कि जांगड़ा साहब यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे। लेकिन आज किसानों की बहुत अच्छी जीत हुई है, कितनी भारी संख्या में किसान यहाँ पे पहुंचे और किसानों का दबाव बना है, जिसके कारण जांगड़ा साहब को जो अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, इसलिए किसानों की बहुत ही अच्छी जीत आज हमारे यहाँ पे हुई है। केला का जो युवा पर आश्वासन दिया गया, इससे सहज उठा हम अच्छी तरह से मान। देखो, इन्होंने कहा कि हम लिखित रूप में ऐसा करना चाहते हैं, भाईचारे के हिसाब से ये भी हमारे भाई हैं, हमें इनकी बात माननी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी बात है तो ये किसान मजदूर जो है एकदम से तैयार है, वो फिर से विरोध करने के लिए यहाँ पे आएंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जांगड़ा साहब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उछाणा में भी उनका प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था और अब यहाँ नरवाड़ा के किसानों की जीत हुई है।